solenoid. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड. तो अगर एक लॉन्ग सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसमें आप ये देखिए कि हम ना सेक्शनल व्यू बना रहे हैं. सेक्शनल व्यू का मतलब क्या है कि हम बस एक सेक्शन देख रहे हैं सामने सामने जो हमको दिखाई दे रहा है. तो जैसे ये हमारा कॉइल था, जैसे ये सोलेनोइड था. अब इस सोलेनोइड में मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ फ्रंट वाला सेक्शन इसको देख रहा हूँ. हमने ये कहा था कि यहाँ से जो करंट है वो इस तरीके से जा रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे घूम कर आया और ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है. करंट जा रहा है आपका क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज जब करंट जा रहा है तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आप ये कहेंगे कि क्लॉकवाइज है तो इधर वाला साउथ फेस है, और इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला नॉर्थ फेस है. फिर हम ये कहेंगे कि हम इसका एक सेक्शनल व्यू बनाते हैं समझने के लिए, तो वो कैसा है वो देखिएगा. ठीक है, तो मैंने एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ ले लिया, उसको एम्पीरियल लूप मान लिया.
अब ये है ए बी सी डी, इधर है ए बी सी और डी, ए बी सी डी। अब जो लूप है, लूप का आपका मन करता है, जैसा आपका मन करेगा आप एम्पीरियन लूप वैसा बना सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि ये लूप, हमने ये कहा कि ए से बी तक जाएंगे, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, फिर डी से ए तक, आपका मन करे आप पहले ए से डी चले जाओ, फिर डी से सी, फिर बी से। मतलब आप लूप कहीं से भी कंप्लीट किसी भी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि एक इमेजिनरी लूप है, हमने खुद लूप को इमेजिन करा है। तो हमने कहा कि हमने एक एरो बना लिया ऐसे ए से बी की तरफ, फिर एक एरो हमने बना लिया बी से सी की तरफ, फिर सी से डी की तरफ, और फिर फाइनली डी से ए की तरफ। अच्छा, और ये जो हमने रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप लिया है, इसकी हमें डायमेंशन ले लेंगे। तो डायमेंशन कितनी होगी, ये जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगी एल, इस वाली लेंथ को एल ले लीजिए, ठीक है। और जो इधर वाली लेंथ है इसके बारे में अभी हमने कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो अभी जो ब्रेथ है इसकी, ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ को अभी छोड़ो, अभी ब्रेथ के बारे में डिस्कस नहीं करो। तो क्यों नहीं करते वो आप बस एक मिनट में अभी समझ जाए, देखिएगा। तो हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने एक एम्पीरियन लूप बना दिया ए बी सी डी ए, मतलब ए से लूप की तरफ ए पर आ गए, ए बी सी डी ए। अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ, एम्पीयर सर्किट लॉ ये कहता है कि क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू न्यू नॉट न्यू नॉट टाइम्स द करंट गोइंग थ्रू दैट लूप, टोटल करंट थ्रू द लूप ए बी सी डी, टोटल करंट अंदर से भी जाए और बाहर से भी जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, उसके बारे में हमको पता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सोलेनोइड के अंदर से भी जाएगी और बाहर से भी जाएगी। तो हमने इस वजह से क्या करा कि जैसे किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं, तो इसी तरह से एम्पीयर सर्किट लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए आप छोटा सा एक एम्पीरियन लूप ले सकते हैं, समझ गए। तो इसलिए अंदर से भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं और बाहर से भी निकलती हैं, तो इस वजह से मैंने ऐसा लिया कि वो आधा अंदर है आधा बाहर है। बताइए जी, क्लियर है? मैं वही बता रहा हूँ कि करंट जो है, करंट तो पूरे वायर में फ्लो कर रहा है, वायर मैंने यहाँ पर दिखाया ही नहीं है। एक्चुअली वायर ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से वायर के लूप्स आएंगे। तो अब करंट जो है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो फैलेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया है, फिर उसको बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, समझ गए। ओके सर, ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तो इसमें आप ये देखिएगा कि म्यू नॉट इज म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट थ्रू द लूप ए बी सी डी ए। फिर क्या करेंगे आप, जब मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ, तो चलिए लूप को पहले स्टडी कर लेते हैं, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। फिर क्या करेंगे, अच्छा ये वाला जो है ये तो एम्पीयर सर्किट लॉ है, तो इसको तो बोल दिया इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन। उसके बाद आगे चलते हैं, ये जो क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल है जरा इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे कि इंटीग्रेशन ए से बी, इंटीग्रेशन यहाँ लिखिए ए से बी, के पहले मैं ए से बी जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ए से बी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस अब कहाँ से कहाँ जाना है, बी से सी जाना है, इंटीग्रेशन बी से सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये हम क्या कर रहे हैं,
इस क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल का जो लूप है उस लूप को स्प्लिट करके दिखा रहे हैं कि लूप कहाँ से कहाँ होगा। पहले ए से बी इंटीग्रेट करें, फिर बी से सी इंटीग्रेट करें, फिर सी से डी करें और फिर डी से ए करें। हम ये करना चाह रहे हैं। तो अगला क्या हो गया, इंटीग्रेशन सी से डी बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। फिर अगला क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी से ए बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमने ये कहा कि ये जो बी से सी वाला है ना, ये जो बी से सी वाला है, बी से सी वाला और डी से ए वाला, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि देखिए, हम मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर जो ये एंगल होता है थीटा, किस किस के बीच में होता है, ए और बी के बीच में, जिसका डॉट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट देखिए बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर का है ना, तो बी के और डी एल के बीच में। तो अगर मैं बी से सी तक जा रहा हूँ तो मेरा लेंथ जो डी एल है वो ये वाला हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में और इस लेंथ के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बी से सी बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी से सी बी डी एल कॉस 90 डिग्री। बेटा ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन डी से ए, तो यहाँ पर भी लेंथ ऐसे है, मैग्नेट लेंथ ऐसे आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा कि डी से ए। और सर ये सी डी में हम 180 ले लेंगे। हाँ बताता हूँ, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। अच्छा फिर क्या है, अभी इसमें एक चीज़ आपको और बतानी है, वो देखिएगा कि जैसे लाइन इंटीग्रल ये हमारा बी से सी ये ज़ीरो हो गया, और लाइन इंटीग्रल डी से ए जो है ये भी ज़ीरो हो गया, ये तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए कि ये जो सी से डी वाला है ना लाइन इंटीग्रल, सी से डी वाला जो लाइन इंटीग्रल है, वहाँ पर हम ये कहेंगे is equal to zero because b is equal to zero outside the solenoid। तो आप ये कहेंगे कि solenoid के बाहर जो है magnetic field zero हो गया। नहीं, हमने तो देखी है कि magnetic field lines बनती हैं, है ना, तो magnetic field lines तो बनती हैं, लेकिन उन magnetic field lines का dot product निकालना जो है वो possible नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ पर बन रही है स्ट्रेट लाइंस। समझ रहे हैं मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस बन रही है, तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो चीज़ मेरे को यहाँ पर नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ये जो सी डी है ये उस एम्पीरी ये उस पर ओवरलैप करे या ना करे, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है, तो वो उस पर ओवरलैप करे या ना करे ये कहा नहीं जा सकता। और फिर मोर ओवर जब हम लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो दैट विल बी दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, उसमें हमारे पास प्रॉपर एंगल होना चाहिए। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये सी से डी वाला ये भी जीरो हो गया। यहाँ तक बता दीजिए, सभी को क्लियर है? यस सर। बता दो भाई। यस सर। सृष्टि का तैयारी नासा। यस सर। क्लियर। चलिए जी, तो अब हमारे पास जो ये बचा ए से बी वाला, बस यही काम का बचा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। सर देखो वहाँ पे लिखा है टोटल करंट थ्रू द लूप ए बी सी डी है, बट सर हम ए बी सी डी है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन, हाँ हमने ए बी सी डी एक लूप ले लिया, एम्पीरियल लूप ले लिया, ये उतने छोटे से लूप में मैं मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना चाहता हूँ। सर ठीक है, करंट वहाँ पे लूप ए बी सी डी के थ्रू कैसे जाएगा? अच्छा हम ये कह रहे हैं करंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ए से बी तक जब मैं जा रहा हूँ ना तो मुझे क्या करना है, ये एक लूप
वहां पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूं। Closed loop line integral d vector dot dl vector is equal to integration a से b d vector dot dl vector, हमारे पास बस यही बचा a से b d vector dot dl vector, तो is equal to integration a से b b vector dot dl vector, तो बेटा इसको क्या लिखेंगे b dl cos 0 degree, ऐसा क्यों कहेंगे क्योंकि ए से लेकर और बी तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी है और जो लेंथ है लेंथ का भी डायरेक्शन भी है, तो दोनों के बीच में जीरो डिग्री का एंगल बन गया, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या हो गया बी डीएल कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ए से बी बी डी एल। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बी तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, इसको बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन ए से बी डी एल, और ए से बी जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये बी इंटू एल आ गया, ये उतना ही रहेगा क्योंकि ए से बी की लेंथ कितनी है, ए से बी की लेंथ हमने पहले ही मान लिया कि वो लेंथ एल है, तो ये बी एल हो गया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर टू। तो अब आप ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई कि इक्वेशन नंबर वन जो है ये तो एम्पियर सर्किट और लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट थ्रू द लूप ए बी सी डी ए, ठीक है, और जो हमने कैलकुलेट करा कैलकुलेशन के हिसाब से ये वैल्यू बी एल के बराबर आ गई, ठीक है, तो कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बोल दी गई वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द साइड ए बी, ठीक है, तो एल हमको मालूम है कि ये ए बी साइड की लेंथ है और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, तो हमेशा याद रखना दो टर्म्स, एक तो स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब ये जो स्मॉल एन है ना और ये कैपिटल एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो स्मॉल एन क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पूरी सोलेनोइड में जितनी भी टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ यानी कि उसको एल से डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास स्मॉल एन आ जाएगा, small n is equal to capital N upon L, समझ गए, ठीक, तो ये क्या है number of turns, total number of turns, तो total number of turns turns per unit length, तो ये small n के बराबर होता है इसीलिए capital N is equal to small n बोल देते हैं, implies that capital N is equal to small n L, और ये लिखा हुआ है पेज नंबर 19 पर स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल ऑफ द सोलेनोइड, तो लेंथ अगर एल है पूरे सोलेनोइड की तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बन रहे हैं जैसे मान लीजिए इतनी लेंथ है तो इसको मेरे को दिखाई दे रहा है कितने टर्न्स हैं, एक टर्न दूसरा टर्न तीसरा टर्न चौथा टर्न, तो चार टर्न्स तो इसमें आ ही रहे, तो वो कैपिटल एन होता है, तो कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, स्मॉल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सोलेनोइड पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है, तो टोटल करंट थ्रू द लूप ए बी सी डी, अच्छा करंट आई जो है वो कितनी बार आ रहा है आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि इतने एम्पीरियन लूप में मतलब इतनी लेंथ में करंट कितनी बार, ये आया आई, ठीक है, ये आया आई यहाँ से यहाँ, फिर एक लूप और आया आई, फिर एक लूप और आया आई, फिर एक लूप और आया आई, तो अगर मान लीजिए चार टर्न्स हैं तो करंट टोटल कितना हो गया 4i, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो nl है nl, तो टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट
टोटल करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टू आई, ठीक है। एक टर्न में कितना करंट आ रहा है, एक टर्न जो आ रही है सोलेनोइड की, एक टर्न में करंट आई, दूसरी टर्न में टू आई, तीन टर्न्स में थ्री आई, पांच टर्न्स आ गई तो फाइव आई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एनएल, तो उसमें टोटल करंट कितना हो जाएगा एनएल आई। यहां तक सभी को क्लियर है तो चले आगे। यस सर, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इधर भी क्लोज लूप लाइन लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये वैल्यू कितनी आई है बीएल, और ये वैल्यू कितनी आई है म्यू नॉट इनटू टोटल करंट, टोटल करंट कितना है एनएलआई, तो म्यू नॉट इनटू एनएलआई, ठीक है। आई से आई कट गया, एल से सॉरी एल से एन कट गया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल गया, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किट ऑफ लॉस है, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड बी इज इक्वल टू इंटरनल कह सकते हैं, हाँ इंटरनल इंटरनल, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नली वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बताइए जी, क्लियर है? यस सर, ठीक है। चलिए जी, तो बस इतना आज कर लीजिए, बाकी जो है आगे कल करते हैं कंटिन्यू। सर एक डाउट था, हाँ जी बोलिए सर, इसमें जो आई वाला पोर्शन हमने लिया है तो सर आई तो वो सिर्फ छोटा सा पोर्शन ही होगा ना इसका, क्योंकि जितना हमने लूप किया उसमें तो काफी कम करंट फ्लो कर रहा है उसका। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। तो सर उसमें फिर पूरा करंट तो कैसे लेंगे आप बता दो, ये जो टोटल करंट हमने निकाला है, टोटल करंट निकाल लिया हमने, टोटल करंट थ्रू द लूप ए बी सी डी ए, ये हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लूप है ना, ये हमने समझने के लिए इतना छोटा सा बनाया है कि इतना एल लेंथ का, समझने के लिए। एक्चुअली क्या होगा कि हमने एक ये छोटा सा सेक्शन लिया है पूरी सोलेनोइड का, हो सकता है सोलेनोइड इतनी बड़ी हो, तो मेरे को पूरा ही बड़ा फिर एम्पीरियल लूप बनाना होगा, समझ गए। तो ये समझने के लिए हमने छोटा सा बनाया है, एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में ये पूरे ही बड़े के लिए आपको बनाना होगा, तो इसीलिए इसको होना क्या है कि सेक्शनल व्यू मतलब एक छोटा सा टुकड़ा निकाल कर दिखा दिया गया बस, एक्चुअली पूरे के लिए, क्योंकि जो ये एल है ना, ये जो एल है इसको हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे लेंथ एल ऑफ द सोलेनोइड, तो हमें जितनी सोलेनोइड जितनी लंबी है जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का ही मेरे को एक एम्पीरियल लूप बनाना पड़ेगा, ये है सारी की सारी कहानी, समझ गए, ठीक है। चलिए जी फिर, ओके, थैंक यू सर, ओके सर। फोर्थ डायमेंशन में ऐसा है कि हाँ सर, फोर्थ डायमेंशन में ऐसा बोला गया है।